أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुकद्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और आयाम आज़ा के उनवान से जारी है, तो लिहाजा मुहर्रम का महीना तकरीबन इख्तिताम पे जा रहा है और अगला जो है वो सफ़र का महीना होगा। अलबत्ता ये अभी एक अशरा मुहर्रम का जो है वो बाकी है। इब्तिदा से और कदीमुल अय्याम से ये सिलसिला चलता रहा और बहुत बड़ी आज़ादारी हुई और हो रही है और दिन ब दिन ये बढ़ रही है। अलबत्ता जो इंसान आज़ादारी कर रहा है, हत्ता कम से कम दर्जे की आज़ादारी ये है कि इंसान आंसू बहाए, तो ये जो कम दर्जे की आज़ादारी है इसके बाद में भी हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल शैइन सवाब इल्ला दमअतुन फीना। फरमाया कि हर चीज़ के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने एक अजर और सवाब रखा माँ सिवाय उस आंसू के जो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में जारी हो जाए, यानी अहले बैत के गम में, अहले सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में इसका अजर जो है इसके लिए कोई अजर तायीन नहीं किया गया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इसका अजर जो है वो बेहिसाब है, उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता, बेहिसाब अजर है। यानी कम से कम दर्जे की आज़ादारी के लिए, सबसे कम दर्जे की आज़ादारी यही है कि इंसान जो है उसके उसकी आँख में आंसू आ जाए। आँख में आंसू आना ये कम दर्जे की जो आज़ादारी है, इसके लिए यानी अजर जो है वो गैर हिसाब अजर है, नहीं उसके लिए कोई हिसाब ही नहीं है। हर चीज़ के लिए इंसान, हर चीज़ के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने कोई ना कोई अजर रखा। मसलन फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रखे तो उसके सर में जितने बाल है उसके बराबर जो है नेकी, उसके बराबर नेकियां जो है इंसान के नाम आमाल में लिखी जाएंगी। यानी एक किस्म का एक हिसाब है। या कहा कि अगर किसी ने सदका दिया तो उसके लिए 10 नेकियां हैं। अगर किसी ने कहा कि अगर किसी ने किसी को सलाम कर दिया उसकी 10 नेकियां हैं। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई अजर, कोई ना कोई सवाब जो है वो मुकर्रर किया गया है माँ सिवाय आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की, कि जिसके लिए कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब सवाब है, बेहिसाब अजर है। और ये अल्लाह की करामत है और अल्लाह की सखावत है जो कि मोमिनीन के लिए इन चीज़ों को रखा गया है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही कदीमुल अय्याम से ये सिलसिला आज़ादारी का चलता रहा और आज के दौर में आज़ादारी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, यानी उसकी कमी नहीं हो रही, कमी वाक़या नहीं हो रही, बढ़ रही है पूरी दुनिया में। अब देख लें आप जहाँ कहीं भी है वहीं पर ही देख लें कि आज़ादारी आज से 20 साल पहले किस पोजिशन में थी और आज क्या पोजिशन है। हत्ता इस कदर के इस दौर के अंदर, यानी जो जो लोग हैं और मुख्तलिफ तरीके से आज़ादारी के ऊपर अटैक करने वाले हैं और बस अवकात तो हत्ता जानी अटैक भी कर देते हैं, यानी बेहद जो मजालिम है वो आज़ादारा ने हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लें जुल्म की इंतहा है, ज़बान के ज़रिए से, हाथ के ज़रिए से या अपने किरदार के ज़रिए से किसी न किसी तरीके से वो जो है आज़ादारों के बारे में उनकी जो राय है वो वाज़े है। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जो है आज के हमारे मौजूद मेहमान के साथ आगे बढ़ाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद दावर अब्बास जारचवी साहब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क़िबला के साथ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ादारी के अजर व सवाब के मुतालिक इनसे गुफ्तगू करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज भी खैर है।
सलामत आप रहे, एकदम बेस्ट। जी सलामत रहे। जी आप सबसे पहले तो इमाम सलाम हो। हुसैन जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फराहम फरमाया। इस आपके प्रोग्राम के जो भी बानी हैं, आप बानी में आजाद हैं और जो भी कमेटी में आजाद हैं उसका तमाम शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस हकीक को इस लायक समझा और सलामत आप रहे। चैनल आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं सारे ख्याल के जरिए से इमाम हुसैन की बात का हमें अकीदत के कुछ अल्फाज पेश कर सकूँ और वो इंशाल्लाह मुफीद साबित आपके लिए भी, हमारे लिए भी और जो सुन रहे हैं उन सब नाज़रीन। बेशक बेशक इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। किबला, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। अभी हम अभी जो है वो गुफ्तगू हम कर रहे थे आज़ादारी के उनवान से और आज़ादारी के अजर अजर व सवाब के उनवान से। तो पहला सवाल मैं इसी उनवान से आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँगा कि आज़ादारी के अजर व आज़ादारी के लिए क्या अजर व सवाब है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि जिस काम को हम और आप और तमाम दुनिया जो जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत होती है या उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है उसको ये जान लेना जरूरी है कि जो भी हम इमाम हुसैन के लिए अपने कदम उठा रहे हैं किसी भी राह में, चाहे वो मजलिस की शक्ल में हो, चाहे वो मातम की शक्ल में हो, चाहे वो तबर्रुक की शक्ल में हो, चाहे वो नियाज की शक्ल में हो, इसका अजर क्या जी और इस उलमा जो यहाँ लिखते हैं और ये कहते हैं तो वो कोई खास पैमान पर नहीं हमें बयान किया गया कि इसका आजर क्या है, बल्कि कहा गया कि इसका आजर सिर्फ शहजादी जानती हैं या परवरदिगार आलम। कोई सुभान अल्लाह बेशक बेशक भी एक वो आयत नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से कोई बिल्कुल भी अल्फाज नहीं कहूँगा क्योंकि एक जिम्मेदारा बात जो है की जाए जी और जरूरी है कि इसका सवाब सिर्फ जन्नत तक लाकर तो लोगों ने मतलब उलमा ने और जो हदीस मासूमी से साबित हुआ है कि भाई जन्नत तक आकर सब थम गए सही और ये है कि भाई आंसू का बदला या इस नदर का बदला या इस मजलिस का बदला वो जन्नत है। तो जी ये क्योंकि जन्नत भी हमारे सारे आमाल जहाँ आकर जहाँ रुकते हैं वो एक नतीजा है जन्नत, मगर इससे भी ज्यादा इसका सवाब उलमा ने बयान किया है और कहा है कि ये तो एक तसव्वुर है कि जो हमने पेश कर दिया है, वरना खुद अल्लाह अकबर अज़ादार जानते हैं और या फिर इमाम हुसैन भी इसका अजर और सवाब जानते हैं कि अल्लाह बेहिसाब अकबर अजर और सवाब ने रखा। बेशक अब एक रिवायत नकल करूंगा क्योंकि जब बिस्मिल्लाह मैंने एक रिवायत पढ़ी जी रजी मुश्तहिस की किताब है एहसनुल अखलाक, सही तो उस ये रिवायत मौजूद थी, पाकिस्तान से ये छपी हुई किताब है, जी। उसमें ये रिवायत थी। बहुत ही पुरानी किताबों में से मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से ये रिवायत निकली थी, तो उसमें ये कहा गया था कि इमाम हुसैन पर जो कब्जा किया जाता है उसका अजर सवाब क्या है सही और इस आंसू की कीमत क्या। तो जी उन्होंने एक लफ्ज लिखा उसमें कि जी कदीमी उलमा से ये बात जो पूछी गई है या जो भी रिवायतों में आया है उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हम इमाम हुसैन की राह में आंसू बहा रहे हैं सही इस एक कतरे का सवाब ऐसा है कि जैसे हम अल्लाह की राह में जनाबे इस्माइल जैसे फर्जंद को कुर्बान कर रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बेशक बिल्कुल मैंने अपने से पढ़ा है और अपनी आंखों से देखा है, सही सिर्फ यही है कि एक कतरा बहाने का सवाब इतना है जैसे आपने जनाबे इस्माइल जैसे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। अल्लाह अकबर बेशक जब खतरे का ये सवाल है तो बचाई कि उस आजाद की कीमत तो हम लगा नहीं सकते और उस आजादारी की कीमत हम कैसे बयान कर सकते हैं या उसका आजर कैसे बयान हो सकता है कि इसका यकीन आजर है खुद अपने जिम्मे लिया है या फिर शहजादी ने अपने, क्योंकि बेशक ये रिवायत सबने इस रिवायत को लिखा है कि जब खबर शहादत पंजत ने पाक में जाहिर हुई है और जिब्राइल लेकर आए हैं फरमाया है सही तो रसूल ने क्रिया किया है और रसूल इस्लाम ने जब क्रिया किया तो सबने सबब क्रिया पूछा और ये कहा कि हुजूर क्यों रो रहे हैं, तो मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मेरा ये नवासा मेरे दीन की खातिर और अल्लाह के अहकाम की हिफाजत की खातिर करबला के मैदान में शहीद किया जाए। तो अल्लाह अकबर सबने क्रिया इस बात पर और जब सब क्रिया कर चुके तो
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुलाम असगरी साहब ने एक बात कही है अपनी किताब में लिखी है कि इसका मतलब यह है कि पहली मजलिस जो बर्पा हुई है वो अहले बैत के घर में बर्पा हुई है इमाम हुसैन के सिलसिले से, सही सही और बानी यानी मजलिस के जो बानी हैं वो खुदा है और मजलिस का जाकिर जिब्राइल हैं और मजलिस के सामईन अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक और फिर उसके अजर की बात आती है। अब देखिए इसी रिवायत से क्लियर हो जाता है कि अजर क्या है, जी बेशक जैसे हम साबित होता है जैसे ही उन्होंने खबर दी आने के बाद जिब्राइल ने कहा कि भाई इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम से यह तो काम पैमान दिया जाएगा और ये बड़े अजीम काम के लिए जो है अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया है, चुना है और ये करबला के मैदान में अपने तमाम अंसार और अहल हरम के साथ में कत्ल किए जाएंगे और अहल हरम असीर होंगे और 3 दिन की भूख प्यास की शिद्दत ये इमाम हुसैन उठाएंगे। जी तो जब ये बात हुई है तो रसूल इस्लाम ने क्रिया किया इस बात पर, फिर मौलाए कायनात ने जब ये बात सुनी तो आपने भी क्रिया फरमाया, इमाम हसन ने क्रिया फरमाया, जनाब सैयदा ने रिवायत के जुमले ये हैं कि इतना क्रिया किया कि आप कश के आलम में आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जब आता हुआ है बीबी को तो बीबी ने फिर ये सवाल किया है कि क्या मेरे बाबा आप उस वक्त में मौजूद होंगे, कभी कि मैं भी मौजूद नहीं होऊंगा। तो फिर मौलाए कायनात से कहा है कि मौलाए कायनात इसमें मौजूद होंगे, जी क्या मौलाए कायनात भी नहीं होंगे, अल्लाह अकबर क्या हसन मौजूद होंगे, क्या इमाम हसन भी मौजूद नहीं होंगे। फिर अब तक जनाब सैयदा सवाल कर रही थी, अब जनाब सैयदा पीछे हटी हैं और एक माँ आगे बढ़ी और अल्लाह माँ ने आगे बढ़कर कहा है कि क्या बाबा ये माँ मौजूद होगी, तब बेटी आप भी मौजूद होगी, तो फिर रोते तो अपने हैं, जब कोई मौजूद नहीं होगा तो मेरे लाल को फिरिया कौन पड़ेगा, रोएगा कौन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बेशक सामने आई कौम ऐसी पैदा होगी कि जो हुसैन के ऊपर गिरिया करेगी, उसके जी जवान हुसैन के जवानों पर गिरिया करेंगे, उसके दही हुसैन के दही पर गिरिया करेंगे और उसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर गिरिया। जी अब यहाँ से आगे रिवायत बढ़ती है और जी ये बताया जाता है और जवानियाँ सदी से जो हमने सुना है वही मैं आपको नकल कर रहा हूँ कि जनाब सैयदा ने फिर ये पूछा है कि बाबा जी आप ये बताइए कि जो मेरे हुसैन पर गिरिया करेंगे आप उसे क्या देंगे। सही अल्लाह रसूल इस्लाम ने फरमाया कि बेटी मैं शाफाए महशर हूँ, यकीनन जब आज़ादार मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी शिफात करूँगी। अल्लाह अकबर सही फिर बीबी मौला की तरफ मुतवज्जे हुई हैं और मौला अली से पूछा है कि या अली फिर आप उन चाहने वालों को क्या देंगे जो हुसैन पे क्रिया कराएं। सही अल्लाह आपने फरमाया कि बिनते रसूल मैं साकी कौसर हूँ, मैं एक एक अदादार को कौसर का जाम पिलाऊँ। अल्लाह अल्लाह बेशक अजर में सारा अजर में आ रहा है। और इमाम सही हसन से पूछा है कि आप क्या दोगे अपने भाई के क्रिया करने वालों पर जो हुसैन पर क्रिया करेंगे, जी तो मैं सरदारे जिना हूँ जी लिहाजा मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा, जन्नत का अल्लाह परवाना दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बीबी ने अपने बारे में बताया है कि जब आप उन्हें ये सारी चीजें अता कर देंगे तो मेरा भी वादा है कि जब तक उन रोने वालों में से एक एक जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं जन्नत में दाखिल नहीं हूँ, अल्लाह ये अकबर अजर। अल्लाह अकबर बेशक तो बेशक ये बात है आज़ादारों के लिए, मगर इसमें शर्त यही होता है हुजूर जो मैं जी बहस जी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मौजूद का बिल्कुल क्लियर है। जी जी मैं इस बात पर करूँगा कि ये सारी फजीलतें आज़ादार के लिए, सही अब हमें ये कोशिश करनी होगी, ये देखना होगा कि हम आज़ादार हैं भी या नहीं। जी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल बहस इस बात पर होनी चाहिए कि हम जो अदा कर रहे हैं क्या उसका हमें मुकम्मल फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर यकीनन मुकम्मल फ़ायदा पहुँच रहा है यकीनन हम इस अजर के हकदार हैं, और अगर हमें ये फायदा है ही नहीं, हम आज़ादार की लिस्ट में शामिल नहीं, तो फिर नहीं है। सही अब यहाँ बहस करते हैं, एक रिसाले में मैंने पढ़ा था, करबला का रिसाला था वो, तो उसी में उसी की बात मैं नकल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि हमें जब ये देखना होता है कि हम पूरे मकसद पर उतर रहे हैं या नहीं है, हम उस अजर के मुतहम्मिल भी हैं या नहीं है, मुस्तहक भी हैं या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि हम आज़ादार हैं या नहीं। सही बेशक तो ये कहते हैं कि आज़ादार वो लोग हैं कि जो मन बका अल हुसैन यानी जो इमाम हुसैन पर ही क्रिया कर रहे हैं। सही अब सही अगर इमाम हुसैन दरमियान से हट जाते हैं और बात आ जाती है हमारी अनायत की या नफ्स की या तेरा या मेरा, ये सारी चीजें जहां शामिल हाल हो जाएंगी, जी जहां इमाम हुसैन की बात को आपने मकसद से हटाया यानी अपने हदफ से हटाया, सही यानी आज़ादारी में ये नहीं चाहिए कि
मिसाल के तौर पर कि ये छोटी मजलिस है या बड़ी मजलिस है, या ये मजलिस फला के यहाँ हो रही है या फला इमाम बारगाह में, जो भी हो रही है वो इमाम हुसैन के लिए हो रहा है। जी। जो जात आ रहा है वो इमाम हुसैन के लिए आ रहा है, जो सामईन आ रहे हैं वो इमाम हुसैन के लिए। तो मकसद हमारा इमाम हुसैन होने चाहिए, बेशक ये नहीं कि अगर साहब पढ़ रहे हैं तो हमें जाना है, वो साहब नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये कि हमने ज़ात इमाम हुसैन को एक तरफ रख दिया है, हम बिल्कुल, अपने नफ्स की तरफ चल, यकीनन यकीनन ऐसी है, बिल्कुल अपने नफ्स की तरफ चले गए तो फिर वो अजर भी जाता रहा बेशक जो अजर हमें मिलना। सही। तो मरकज चाहिए वो इमाम हुसैन की ज़ात होनी चाहिए, बस यही मुझे इस बात की तरफ जो है इशारा करना था। और ये कहना था कि उलमा भी यही कहते हैं और कि आप इमाम हुसैन को मरकज बनाएं और अदाकारी इमाम हुसैन के लिए करें, खुलूस दिल से आप इमाम हुसैन के लिए आए तो आप इस अजर तक पहुंच जाए। जी और जहां आपने अपने नफ्स को शामिल किया या अपने जातियात को शामिल किया तो वो अजर फिर नहीं रहे। यकीनन यकीनन जी, बहुत अच्छा खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरती से आपने आज़ादारी के फ़ज़ाइल पर बहस की, और आपने इशारा फरमाया मासूमीन की गिरिए को भी, आपने उनकी तरफ भी इशारा फरमाया कि मासूमीन ने बाकायदगी से हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया फरमाया। तो दूसरा सवाल मैं इसी उनवान से करूँगा कि क्या आज़ादारी और गिरिया करने के बारे में अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला हमारे पास मौजूद है, इस पर भी अगर एक गुफ्तगू हो जाए। अहवाल मासूमीन और सीरत मासूमीन ये मौजूद रही है जी और चली आ रही है। सही अहवाल मासूमीन खुद जो है रसूल इस्लाम का ये कौल आपकी आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर कौल है, जी, इन्ना ले कतल हसैन हरारतन फी कुलूबिल मोमिन बेशक ला तबर्रदो अब। अल्लाह अकबर, तो बेशक ये कौल है इमाम, यानी रसूल इस्लाम ये फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसी हरारत है, एक ऐसी गर्मी है कि जो मोमिन कल में कभी ठंडी होने वाली नहीं है। जी जब भी कोई इमाम हुसैन जिक्र करेगा या जिक्र सुनेगा तो मोमिन की आंख से आंसू जरूर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, बेशक तो हाँ, ये बात अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये भी वादे हो जाता है कि यानी क्रिया करने से ये साबित होता है कि यकीनन आप दायरे ईमान में हो, यकीनन बिल्कुल एक बात जो है वो वादे हो जाती है। जी और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी एक कौल है कि जो अल्लामा मजलिसी ने इस कौल को नकल किया है, मामिन अहद अकाला फिल हुसैन शेरन फबका व अबका बेही इल्ला औजब अल्लाह लहुल जन्ना व गफर अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सही तो ये कौल चूंकि इमाम ने ये फरमाया है कि जो भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ कहे, एक जी शेर ही कहे जी जी और उस शेर वो पढ़े या उस जिक्र को वो पढ़े और खुद रोए या दूसरों को रुलाए, तो अल्लाह अल्लाह बिल्कुल इसका सिर्फ इसके वो नहीं हो सकता कि उस पर अल्लाह जो है जन्नत को भी वाजिब करेगा और उसकी मग़फ़रत भी फरमाए, यानी सुभान उसके अल्लाह गुनाहों को बख्श। जी तो ये एक सिलसिलेवार है, अहादीस मौजूद हैं। और अगर आप सिद्दत से बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, तारीख में मौजूद है, जी जैसा कि अल्लामा ज़ीशान ने भी इस बात को रकम किया है जी कि आइमा अथार की हकीकत रही है कि आप जब भी मुहर्रम का महीना दाखिल होता था तो कभी भी कोई भी हजरत ये पहचान लेते थे कि अब मुहर्रम दाखिल हो चुका है, क्योंकि ये इमाम जाफर सादिक से ये एक रिवायत है, जी यानी इमाम जाफर सादिक से मुतालिक है ये सही बात कि जब भी मुहर्रम के अय्याम आते थे तो हजरत के घर से चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हो जाया था, अल्लाह अकबर बेशक इससे लोग ये अंदाजा किया करते थे कि मुहर्रम के अय्याम दाखिल हो चुके हैं जी और दिनों तक कोई भी इमाम को मुस्कुराते हुए नहीं देख रहा था। अल्लाह अकबर बेशक और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई इमाम के सामने जिक्र इमाम हुसैन कर दिया करता था फिर उस दिन पूरा दिन हजरत जो है गम के आलम में रहते थे और कभी मुस्कुराते नहीं, ये दूसरी रिवायत मौजूद जी सही है। तो है और अक़वाले मासूमीन भी इसमें मौजूद हैं और आठवें इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो है वो मौजूद है कि हजरत ने मजलिस बर्पा की और उसमें एक शायर ने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ अशआर पढ़े जी और मजलिस में गिरिया और हुआ, और यहाँ तक के सारे इमामों के मसाइब वो एक एक शेर पढ़ते हुए आए। तो ये भी मौजूद है नक़्श-ए-इस्मत में, बेशक वो एक इशारा दिया। तो जी
ये साबित होता है कि इमाम ने फिर, अच्छा दूसरा स्मृति की बात में से बात निकलती है, एक पहलू जी निकलता है कि जब मजलिस तमाम हुई और लोगों ने गिरिया किया तो इमाम मिंबर से तशरीफ लेकर गए और इमाम ने खुद अपनी एक अबा उनको हदिया की अल्लाह अकबर, और बिल्कुल ये कहा कि इसमें मैंने 1,000 रकत नमाज अदा की है इसके साथ में, जी, और ये तोहफा मैं आपको दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। क्या आपको ये पसंद आया? तो उन्होंने कहा कि हाँ मौला, मैंने इससे अच्छा तोहफा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, सुभान ये तोहफा अल्लाह, मुझे बेशक पसंद है। तो चूंकि ये जिक्र अहले बैत का और ये जिक्र अहले बैत के घराने का है, ये गम खुदा को कयामत तक जारी और सारी रखना था, जी इसलिए इसमें एक इमाम ने, मान लीजिए चूंकि कयामत तक इसको जारी रहना था, इसलिए एक तरीका भी इमाम ने बता दिया कि इसको अगर कायम रखना है तो आप जितना इमाम हुसैन के नाम पर दोगे या लुटाओगे या इमाम हुसैन के नाम पर कोई भी, तो वो अजर जाया नहीं होगा, इसलिए कि अहले बैत किसी का कुछ अपने ऊपर रखते ही नहीं। बेशक, दूसरी बात मैंने ये भी देखी है कि चूंकि ये तजर्बे में भी है और उलमा से ये सुनते रहते हैं हम, कि जो लोग कल ऐसी जगह मजलिस कर रहे थे, आज़ादारी कर रहे थे कि छत भी नहीं थी इमाम बारगाह में, जी, बिल्कुल आज से उनके हालात दुरुस्त हैं और बहुत अच्छे हैं, अब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि ये इमाम हुसैन की मजलिस का सबका, क्योंकि इमाम सुभान हुसैन अल्लाह, किसी का कुछ नहीं अपने ऊपर, बेशक हमारे बेशक हालात बेहतर हैं इस आज़ादारी के कर सकते। जी, और दूसरी बात है, जो जहाँ आज़ादारी बर्पा होती है, जिन जिन घरों में आज़ादारी है, आज़ादारों को मौला सलामत रखें और तमाम जो इलाही बामियाने आमीन, मजलिस इलाही आमीन मतलब जो भी आज़ाद जी, उनके सबके हौसले बुलंद हों। यकीनन ये बात देखने में आई है कि जितनों जहाँ जहाँ भी अजाए इमाम हुसैन बर्पा हो रही है, उनको समाज में एक अलग ही इज्जत के साथ में देखा जाए। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐबों पर भी ये पर्दा डाल दिया जाता है, बेशक तो ये करम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जो मतलब लोगों को इस तरफ मुतवज्जे करता है और ये कहता है कि आप अगर इसके आदर समझते हो, मगर फिर मैं वही बात कहूंगा कि मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा इमाम हुसैन होना चाहिए, जी, बेशक हमारे उसमें जाते नहीं होनी चाहिए, तो हम इसके सवाब तक पहुंच जाए। बेशक जी किबला, बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई और यकीनन ये चीज़ें ज़रूरी है। अर्ज़ यह है कि चूंकि हमारी गुफ्तगू यहाँ पर इस प्रोग्राम में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और अय्याम आज़ा के उनवान से है, तो एक आखिरी सवाल आपकी खिदमत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत भी पूछ लूँ। अलबत्त ये सब बहसें जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ दरहाली के मरबूत है। ज़ाहिर है कि सवाल कुछ इस तरह करूँ तो बेहतर है कि काफ़ी ज़ाहिर है कि जितनी भी मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, हर एक मुंतज़िर की एक दिली ख्वाहिश ये है कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए आमादगी कर सके। तो मैं जी आपसे ये सवाल करूँगा कि क्या आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए आमादगी है आपकी नज़र में? इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। जी मैं जहाँ तक मेरी फिक्र है और जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है वही आपकी खिदमत में रखूंगा इसी चीज़, क्योंकि बिस्मिल्लाह मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने जो है बैठा हूँ, सलामत रहे। और आप कर दी है क्योंकि इमाम हुसैन का ये डर है कि यहाँ अगर जर्रा भी आ जाए तो उसे भी इमाम नवाज देगा। बेशक बेशक मैं ये कहूँगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़हूर इमाम ज़माना सलाम की बिल्कुल तैयारी है और जी, बिल्कुल ही आमादगी, सुभान अल्लाह जी, इसलिए आमादगी है कि आप ये देखिए कि इस 10 अय्याम 10 दिनों के अंदर, अय्याम आज़ा के अंदर बहुत सारे तबादले होते हैं, तबादले ख्याल होता है, तबादले तबीयत होता है जी और तगयरात पैदा होते हैं, एक इनकलाब आता है, यानी जो इंसान सुबह को सवेरे सोने वाला था आपको 3-3 बजे तक जाग रहा है जी और सही नमाज सुबह तक जाग रहे हैं और जी अजा में लगे हुए हैं, तो ये कुर्बानियाँ यानी अपने नफ्स की एक कुर्बानी दे रहे हैं, अपने जो है टाइम की कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है, जी और यानी एक जज्बा इसारियत। और जहूर क्या चाहता है? जहूर चाहता है कुर्बानी, तो पहले आप बेशक आमादा हो कुर्बानी के, बिल्कुल जब आपके अंदर जज्बा इसारियत नहीं होगा तो इमाम की तरफ आप मुतवज्जे नहीं होंगे। दे। और यहाँ ये भी देखा जाएगा कि जब
जो और अय्याम हैं उनमें ऐसा नहीं वाकई होता, जैसा कि या तो रमजान में होता है ये सब चीजें या फिर मुहर्रम में ये देखने को चीज आ रहा है। बिल्कुल बेशक। ऐसी बात है कि अब मौला के अय्याम आए हैं, जब कौम में इतना इनकलाब और इतनी बेदारी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इमाम आएंगे तो एक अजीब ही इनकलाब पैदा होगा बेशक और एक अजीब ही आमादगी होगी। अज़ा के लिए वक्त की पाबंदी और अपने आप को मुनज़्ज़म करना और फिर मिंबरों से वही पैगामात जो है वो दिए जाएँ कि जो ज़रूरी हैं कौम के लिए भी और इमाम ज़माना के लिए, बेशक कि की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया जाए कि आप पर नजरें हैं इमाम की, आप वो करें कि जो आपके मौला को मंजूर बेशक बेशक और हर तरह के फिसाद से दूर रहें। इसलिए कि फिसाद जो भी होगा चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो आपको आज़ादारी से भी दूर करेगा और जी खुद इमाम ज़माना से भी दूर। बेशक यानी आज़ादारी का मकसद ही ये है कि आप जगह जगह आज़ादारी को देख रहे हैं। हाँ, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो जी बिल्कुल आप जगह जगह देख सकते हैं और सकते हैं कि इत्तेहाद एक पैगाम जो है इत्तेहाद का दिया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। इसलिए कि जब तक लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं तो वो तैयारी नहीं हो सकती कि किस पैमाने पर हम जहूर की तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारी फिक्रें चाहिए, हमारे दिल एक होने चाहिए और हमारी जबान एक होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये अगर पैगाम होता है तो यकीनन फिर करबलाई पैमाने पर हम जहूर के नज़दीक होते चले जाएंगे। जिस तरह करबला वालों का एक पैगाम था, एक नारा था, इसी तरह पूरे अदादारों का, तमाम अदादारी करने वालों का और तमाम चाहने वालों का एक ही नारा होना जी चाहिए। तो सही यकीनन ये अदादारियाँ बिल्कुल इमाम से करीब कर देंगी अगर सबका एक नारा हो। बेशक बेशक ये समझने की थोड़ा, और रही बात के आज़ादारी आज़ादारी पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि जी सवाल आता है कि क्या आज़ादारी पर, क्योंकि आज़ादारी से हम जहूर के करीब जब होंगे, जब इमाम की भी नजर आज़ादारी पर, क्योंकि सही बिल्कुल बिल्कुल आप जो आज़ादारी कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, क्या इस पर इमाम आप पर नजरें रखे हुए हैं या नहीं, पहले ये जानना भी जरूरी है। तो बिल्कुल यहाँ यकीन है पर जो सबसे ज्यादा मशहूर बात जो सामने आती है वो सामने आती है अल्लामा बहरुल उलूम कुदसी सही के, हजरत ने जब सफर इख्तियार किया तो उन्होंने सोचा कि ये आंसू कैसे जन्नत दिला सकता है, इस आंसू के बदले में कैसे जन्नत मिल सकती है। जी तो इस मसले को खुद इमाम जमाने ने वादे किया और सफर पर इमाम आए जी और आने के बाद देख फरस पर आप सवार थे और आपने कहा कि क्या मुश्किल पेश आ रही है आपको, क्या जी सोच रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक कतरे पर अल्लाह जन्नत कैसे दे सकता है। जी सही हजरत ने फरमाया कि क्यों नहीं दे सकता, इसलिए कि आप ये बताइए कि पहले ये देखिए कि ये आंसू बहाया किस लिए जा रहा है। जी आप मकसद तक पहुंच जाएंगे तो आजर तक भी पहुंच जाएंगे। सही एक बादशाह है, जी वो शिकार करने का जंगल में गया और जाने के बाद अपने लश्कर से गुम हो गया सही और ऐसी हालत में पहुंचा कि जो मरने के लिए तैयार था, भूख और प्यास से निढाल था, जी उसे एक खैमा नजर आया और खैमे के पास वो गया और जाने के बाद में उसने देखा कि एक अहले खाना उसमें जो है रहते हैं, एक ज़ईफ़ा रहती है और उसका कुल असासा एक बकरी है जिस पर वो गुजर करती है। सही उसने वो बकरी जो है वो बादशाह के लिए ज़बह की और बादशाह की पजीराई। जी अब बादशाह अपने तमाम मुशीरों से और तमाम उस दौर के उलमा से ये पूछे जी कि ये बताइए कि उसका अजर क्या होगा। तो सही किसी ने कहा कि साहब उसे 100 100 बकरियां और एक 100 दिरहम दे दिए जाए। किसी ने सही कहा कि 100 बकरियां और 500 दिरहम दे दीजिए। का जी नहीं, ये उसका, इसलिए कि उसने उस वक्त में जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ मुझ पे लुटा दिया, सुभान अल्लाह बेशक बिल्कुल सरमाया मुझ पे लुटा दिया। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि उसका अजर अदा करूं तो मुझे भी ये चाहिए कि मैं अपना सब कुछ उसे दे दूं, तब ये अजर पूरा होता है, तब ये बदला सुभान होता है। अल्लाह बेशक 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 बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ तौहीद पर कुर्बान किया, सब कुछ सुभान अल्लाह अल्लाह के लिए कुर्बान, बेशक बिल्कुल सब कुछ दीन के लिए कुर्बान किया है, कुछ नहीं रोका, अपने पास कुछ नहीं बचाया। तो जी अब अगर सब कुछ कुर्बान कर दिया है तो जन्नत अल्लाह के लिए एक छोटी सी शय है। बिल्कुल अब अगर उसके आंसू के बदले में अल्लाह जन्नत दे दे तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए बाह रहे हैं, उसके लिए आंसू बाह रहे हैं कि जो जिसने सब कुछ कुर्बान किया है, तो जन्नत बेशक तो उसका एक जुज है, कुछ नहीं। यकीनन तो यकीनन इस को खुद इमाम ने जब वादे किया वो गायब हुए और फिर हजरत की समझ में आया कि एक वक्त के इमाम थे जिन्होंने जी इस मसले को किया है। अल्लाह अकबर तो इसका अल्लाह
इसका मतलब यह है कि अदादारी आपको इमाम से करीब कर रही है। अगर आप खुलूस से दिल से अदादारी के मुतालिक और इमाम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो इमाम तो खुद आप तक पहुंच रहे हैं। बेशक बिल्कुल ऐसी है। आपका ऐसा होना चाहिए, आपका इल्म ऐसा होना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो आपको इमाम मतलब मिले और इमाम जो है आप इमाम तक पहुंचे या इमाम आप तक पहुंचे। बेशक बेशक फिर वही बात काम जो सबसे बड़ा आज़ादारी का वो यही है कि इंसान खुद अपने पहले नफ्स की जहालत को दूर करे और अपनी जहालत को दूर करे। इसलिए करबला मुकम्मल एक इल्म जी कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अगर इमाम हुसैन से या इमाम जमाने से करीब होना है तो जितना हमें हो सके तो हम तालीम और इल्म की तरफ मुतवज्जे। बेशक बेशक ये जी किबला, वाले बहुत हैं अच्छे करबला से। तरीके से आपने वजाहत फरमाई और बहुत ही खूबसूरत नुकात पे आपने इशारा फरमाया इस कम वक्त में। आखिर में अगर मोमिनीन के लिए आज़ादारी या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उनवान से कोई पैगाम है तो मोमिनीन इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से समात फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। पैगाम मेरा एक ही है हुजूर, जो जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ और मौला की नौकरी अंजाम देता हूँ जी तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि इस मिंबर के सदक़े में, क्योंकि ये उलमा की जानिब से अभी ये पैगाम शायद हुआ था तो जी उसी पर हमने ये अमल किया है, जगह जगह जाकर इस पैगाम को आम किया जी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में लोग उलमा की बात सुनते हैं और जो मिंबर पर आते हैं उनकी बातें मानी जाती हैं। जी तो हमें ये चाहिए कि हम तनहा फ़ज़ाइल अहले बैत और यानी सीरत मासूमीन इन सब के अलावा भी जो मौजूदा हालात हैं, जैसे कौम की गुरबत है जी या जी कौम की हैं, उन पर भी ऐसी बहसें करें और जी उन्हें रास्ता दिखाएं कि जिससे ये कौम जो है वो हर एतबार से अपनी मुश्किल का हल निकाल सके। बेशक बेशक बिल्कुल ये पैगाम आप चाहिए कि ऐसी बातें की जाएँ जो इस दौर में हालात में सबके लिए मुफीद हो, जो आने वाले हों वो कुछ लेकर जाए बिल्कुल बिल्कुल जिससे कि मजलिस का जो मकसद है वो पूरा होता रहे। हालात को सही देखते हुए, हालात आपका पर नजर रखते हुए, जैसे भी हालात हैं और जो भी तकाजा है वक्त का, उस वक्त के तकाजे को पूरा किया जाए। और यकीनन क्योंकि मैं यकीन जानता हूँ कि मैंने वाजे कर दिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा जी हूँ, बिल्कुल ऐसी है, यकीनन ऐसी है बिल्कुल जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है, जिस वक्त में जो चीज़ भी वहाँ उस वक्त में जरूरत है कि ये यहाँ ये चीज़ नहीं पाई जा रही है तो जी उस पर बोला जाए वहाँ, बिल्कुल ताकि मजलिस का मतलब जो है वो पूरा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल किबला, अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और बहुत ही उम्दा मैसेज दे दिया कौम को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने अपने कीमती अवकात में से, कीमती वक्त में से ये वक्त निकाल के हमें खिदमत का मौका फराहम फरमाया और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा किया। मौला आपको सलामत रखे। करबलाए मुकद्दसा में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है और आपसे भी इल्तिमा से दुआ करते हैं। सलामत रहे, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना सैयद दावर अब्बास जारचवी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई और अच्छा पैगाम दिया इन्होंने। और पैगाम ये है कि हमें आज़ादारी के साथ साथ कुछ जो हालात है मौजूदा हालात की तरफ भी हमें तवज्जो की ज़रूरत है और मुतवज्जो होना चाहिए। और वो ये है कि ज़्यादातर जो आजकल के दौर में है वो गुर्बत का आलम है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मोमिनीन तक पहुंचनी चाहिए और वो नहीं पहुंच रही। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, यकीनन करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। लेकिन जहां बंदे हकीर, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर हम अपने वाजिबात को, जो हमारे पास जो मालियात है और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके पास जो मालियात है, अगर उन्हीं मालियात में से खुम्स और ज़कात को पैबंदी से अदा किया जाए तो ये जो है ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बाज़ लोग एक गलती करते हैं, ये मैं इस गलती को वो कर लूँ कि बाज़ लोग जो है खुम्स का पैसा गरीब सादात को नहीं देते, खुम्स का पैसा गरीब सादात को नहीं देते, जाके उस पैसे को आज़ादारी में डाल देते हैं। ये तरीका अवलम तो यह है कि अगर कोई आलिम इजाज़त देता भी है तो सहमे इमाम से
सहमे इमाम से, तो शायद आज़ादारी हो सके। वो फिर जहाँ तक जो है वो मराजे का ज़ाती वो क्या नज़रिया देते हैं, लेकिन जो सहमे सादात है उसे आज़ादारी करना दुरुस्त नहीं है। ये मुसल्लम बात है, चूंकि वो हकदार जो है वो मौजूद है और वो उसको क्यों हक नहीं दिया जा रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अव्वलन तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने वाजिबात को जो है वो अदा कर सके, वाजिबात को जो है वो पहुंचा सके। इसी तरीके से जो है वो माहे रमज़ान के बाद फितरा है, फितराना है हमारा, या जो सदकात है, या जो दूसरी चीज़ें हैं, मसलन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जैसे ज़कात है, ज़कात बाज़ लोग जो है ज़मींदारी है उनकी और उनके पास जो है वो गलात है और जिस चीज़ों से वो ज़कात का वो निकलता है, तो ये चीज़ें हो है आजकल के दौर में भी है साहिब हैसियत लोगों के पास। तो सबसे पहले इसी चीज़ को भी अगर हम वो कर सके तो इंशाअल्लाह गुरबत दूर हो जाएगी, चूँकि अल्लाह का निज़ाम कुछ इस तरीके से है कि ये एक फ़ितरत का निज़ाम है जिसमें मसलन गरीब लोग भी है अमीर भी है। लेकिन अगर अमीरों के लिए जो उन्होंने इम्तिहान जो अमीरों के साथ रखा है कि वो अपने माल में से गरीबों के ऊपर खर्च करें, वो भी शर्री तरीके से, यानी जो अल्लाह ने जो वो किया हुआ है तो वो करें। और इसके अलावा भी जो चीज़ें होती है गरीबों को देनी चाहिए, मसलन इंसान जो है अपना सदका निकाल रहा है या कोई और ऐसी चीज़ें, 100 चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया। और आज़ादारी जो है उसमें भी यकीनन अगर आप देखें तो इस किस्म के दर्स हमें मिलते हैं, और इसमें जो है वो रवादारी, मुसावात और ये चीज़ें भी इसमें होती है। तो आज़ादारी के बहुत सारे फ़वाद में से ये फ़वाद भी आज के दौर में जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ आज़ादारी के उनवान से कि बहुत सारे लोग ये इश्काल कर देते हैं, कहते हैं ये फलान आज़ादारी, ये जो आज़ादारी कर रहे हैं ये मासूम के दौर में तो नहीं थी, फलान आज़ादारी कर रहे हैं मासूम के दौर में तो नहीं थी। तो भाई बात यह है कि मासूम के दौर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो मसलन हवाई जहाज़ नहीं है, अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में गाड़ी नहीं है, मासूमिन के दौर में तो ये चीज़ें भी नहीं थी। तो क्या फिर वो इसका कोई ये तुक बनता है कि ये नहीं होती? तो अर्ज़ यह है कि आज़ादारी में भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि उस ज़माने में नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में वो आज़ादारी है, आज़ादारी शुमार हो रही है। जैसे हम जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जज़ा की जो हदीस हमने पढ़ी थी तो उस पर मैं तौज़ी नहीं दे सका। जज़ा यानी बेकरारी इंसान में हो, तो आज़ादारी, इंसान अगर बेकरार है तो वो क्या कुछ नहीं कर देता। आप ये अर्ज़ करूँ कि जब एक मैं इस जज़ा की एक मिसाल आपको उर्दू में बता दूँ अपनी ना के ज़बान में अगर समझा सकूँ। देखें जज़ा जो है ये किस चीज़ को कहते हैं, हदीस में इमाम जाफर सादिक़ अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जज़ा करें यानी बेकरार हो जाए मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम के गम में, एक माँ है उसका जवान बेटा फौत हो जाए या कोई भी है उसका भाई फौत हो जाए, जो सबसे बड़ा उसका वो अजीज़ हो जिसका, वो अगर फौत हो जाए तो ये खातून क्या कर देती है? ये इसी हालत को जज़ा कहते हैं, बस इसको समझना है। ये खातून जो है अपने चेहरे पर मारती है, ये खातून जो है अपने जो जो अजियत है अपने आप को दे रही है, चूंकि उसके वो जजा में है, वो हालत जजा में, शायद हो सकता है कि ये अपने सर को दीवार पे जाके मारे। तो इस हालत को हालत जजा कहते हैं, हालत जजा इस चीज़ को कहते हैं, और ये हज़रत इमाम सादिक़ अलैहि सलाम की हदीस है। तो बस हर वो चीज़ जो एक आम, और फिर मैं आपको आपकी खिदमत में बयान करूं कि ये जो हज़रत सैयद शुहदा अलैहि सलाम का गम है, ये गम तो बहुत बड़ा गम है, ये तो इससे भी बड़ा गम है, कायनात में इससे बड़ा गम हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई शख्स हालत जज़ा में जो जैसी भी आज़ादारी वो करता है तो ये क्या है, ये इसका अजर सवाब है, अजर सवाब हदीस है, रिवायात है। और मासूमीन को आप देखते हैं, हम हर चीज़ को मासूम को फॉलो कर रहे हैं, तो करें मासूम को फॉलो, लेकिन उसकी जो बात है, लकीर का फकीर न बने इंसान, जो बात है उस बात को भी समझे। मतलब इस हदीस को आप कैसे समझोगे? मैंने आपकी खिदमत में ये छोटी सी मिसाल पेश कर दी, अब इंसान जो है वो आगे का खुद सोचे कि भाई इंसान जो है, जब इंसान के ऊपर बेकरारी तारी हो जाती है, इंसान अपने आपे में नहीं रहता,
आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहि सलाम ये है। और मैं अपने उस्ताद से मैंने सुना था, ये वाकयन है। हम लोग कब कहते हैं कि भाई हम लोग तो उस तरीके से नहीं है जैसे कि वो इस किस्म की, तो हमारे ऊपर कोई हालत तारी नहीं होती। तो या आपके ऊपर तारी नहीं होती, आपके गुनाहों का नतीजा है, या मेरे ऊपर तारी नहीं होती, मेरे गुनाहों का और बेतवज्जुही का नतीजा है। मैंने अपने उस्ताद से सुना, कहते हैं मरहूम साहिब अबाकातुल अनवार आयतुल्लाहिल उज़्मा मीर हामिद हुसैन मौसवी निशापुरी साहब, बहुत अजीब व गरीब, कहते हैं ये अपने आखिरी आयाम में इस कदर रोया करते थे, इस कदर रोया आलम जलीलुल कदर, इस कदर रोया करते थे कि अगर कोई शख्स उनके सामने सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ले तो इसकी आंखें ऐसी सुर्ख हो जाती थी जैसे उसमें खून आ गया हो, और बेहोश हो जाते थे। मैंने एक अपने उस्ताद से ये चीज़ सुनी थी, और वो कह रहे थे कि इस कदर यानी ये इस इनके ऊपर गम के असरात आ जाते थे सिर्फ सिर्फ हज़रत सैयद शुहदा के नाम लेने से। कहते जब आखिरी उसमें पहुंचे थे तो वो घर वाले जो है वो मना करते थे, जो लोग इयादत के लिए आते थे, कि हज़रत के सामने जो है वो इस किस्म की कोई गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि हज़रत की तबीयत वैसे भी ज़्यादा मुस्तैद नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मज़ीद तकलीफ़ हो जाए। तो ये सिलसिला है और रहा। और हमारे बुजुर्गान, आपने देखा होगा वो हालत जज़ा लोगों के ऊपर होती है, ये दिल की उनकी पाकी है, दिल की पाकिजगी है। आपके ऊपर जज़ा नहीं है तो ये आपके ज़ाती अमाल का नतीजा है, आपके ऊपर तो वो रहमत नहीं हो सकती। लेकिन हाँ ये है कि जिन लोगों के ऊपर वो है, वो यानी मेरे ऊपर अगर हालत जज़ा नहीं है, हालत बेकरारी नहीं है, मैं ठीक है मसलन रोता हूँ लेकिन उस तरीके की हालत नहीं हो रही, तो ये मेरी खुद की कमज़ोरी है। अगर ना हज़रत सैयद शुहदा अलैहि सलाम का गम तो इतना अजीम है कि आसमान और ज़मीन इस गम में रोए। कौन सा कहाँ अपने किस गम को देखा है कि आसमान से जाके आसमान रोए, आसमान से जाके खून बरसना शुरू हो जाए, ज़मीन से खून निकलना शुरू हो जाए। कभी ऐसा गम कोई देखा है? नहीं देखा। कहीं कुछ नहीं होता, बड़े से बड़े लोग फौत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हज़रत सैयद शुहदा अलैहि सलाम का गम इतना अजीम है कि आसमान से खून बरसा, खून और ज़मीन से खून निकला। ये गम इस कदर गम अजीम है और इस कदर गम है कि इसके लिए हर चीज़ रोई, चरंदयात और परिंदे, चरिंदे, परिंदे, जमादात, नबातात, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हज़रत सैयद शुहदा अलैहि सलाम के लिए उन्होंने गिरिया ना किया हो। और बाद में तो ये मिलता है कि आज तक ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, यानी गम सैयद शुहदा अलैहि सलाम में। और इससे बड़ा मैं और क्या करूँ कहूँ कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो कि वक्त के इमाम है, वो फरमाते हैं कि मैं आंसू की जगह खून के आंसू रोता हूँ अपने जद के लिए। आप यहाँ से ही इसकी हसासियत को आप समझ सकते हैं कि इमाम, जब मारफत इंसान के अंदर हो, वजूद में मारफत है, तो हज़रत सैयद शुहदा का गम अजीम है, अजीम गम है। और इन चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, और आज़ादारी के ऊपर इश्कालात नहीं करने चाहिए। आज़ादारी के बारे में ज़्यादा हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, अपने को गुनहगार करने वाले काम है, और ये चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आजिल लिवलीक अल फरज।